हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की सोमवार को बीमारी के चलते मौत हो गई। प्रथम दृष्टा मौत के कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है। फुल्ला कोल जिला शहडोल केंद्रीय जेल रीवा में बंद था। सोमवार को अचानक उसकी हालत खराब हो गई। अधिकारियों ने जेल में ही स्थित अस्पताल में इसका इलाज कराया, लेकिन तबीयत नहीं सुधरने पर उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त कैदी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 2015 में उसे ब्योहारी जेल से रीवा लाया गया था। तब से वो यहीं बंद था। उसकी मौत किस बीमारी से हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। मंगलवार की सुबह पुलिस की सूचना पर परिजन पहुंच गए। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है।